गुल फाउंडेशन ने लोहिया पार्क गोमती नगर में गरीब जरूरतमंदों को रमजान राशन किट वितरित की। किट में एक महीने का राशन, नए कपड़े और जरूरत का पूरा सामान उपलब्ध कराया। रमजान किट पाकर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सभी रोजेदारों और आए हुए लोगों ने गुल फाउंडेशन के कार्यों की सराहना की एवं दुआएं भी दी। फाउंडेशन की अध्यक्षा गुलेराना सईद ने आए हुए सभी लोगों से कहा कि वह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए खड़ी रहेंगी। गुल फाउंडेशन जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करती रहेगी। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सभासद संजय सिंह, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद आदिल, इंजीनियर अजय कुमार, अजरा मोबिन, डॉक्टर अशफाक अहमद, नजम एहसान, अब्दुल वाहिद, मानसी वाजपेयी, जुबैर अहमद मौजूद रहे। गुल फाउंडेशन की टीम ने इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सीमा जोया, परवीन अख्तर, शुभ्रा सक्सेना, आमिर शाहिना आदि लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। रमज़ान में गुल फाउंडेशन की तरफ से आज रमज़ान के फूड आइटम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे ये चीज़ शुरू करी और कितने सालों से आप करते आ रहे हैं? चार या पाँच साल से हम लगातार करते आ रहे हैं। उससे पहले भी हम करते थे मगर हमने कोई नाम नहीं दिया था, और इधर हमने एक साल में इसको नाम दिया है गुल फाउंडेशन का, क्योंकि कर रहे थे हम और वो चीज़ गलत लोगों के हाथ में जा रही थी, तो हमने ये चाहा कि वो सही लोगों के हाथ में जाए। पहले हम लोग सर्वे करते हैं जो उस कंडीशन के हैं लोग, जिनको जायज़ देना फिर हम उनको देते हैं। हमारा कोई ऐसा मेन मकसद नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा आवाम में जो है वो मशहूर हो या हमें इलेक्शन लड़ना हो या कुछ ऐसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ ये है कि जो ज़रूरतमंद है उनके हाथ में चीज़ें जाएँ। तो मैम, आज के इस कार्यक्रम में लगभग कितने लोगों को आप किट वितरित कर रही हैं? हमारा 150 लोगों का टारगेट है। इंशाल्लाह पुराने लखनऊ में भी हमने 50 लोगों को दिया है और खुर्रम नगर में भी हमारा इसके बाद होगा प्रोग्राम। तो क्या ये पूरे महीने में अलग अलग लोगों को, अलग अलग लोगों को अलग अलग एरिया में जहाँ ज़रूरतमंद होते हैं वैसे उनको दिया जाता है? तो हर अलग अलग एरिया में जाते हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, पहले सर्वे करते हैं फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो कहेंगे कि हम लोग को सहयोग करें, जैसे हमारे आदिल भाई बैठे हैं, संजय सर बैठे हैं, इधर भाई बैठे हैं हमारे, वहीद भाई, जुबैर भाई, तो ये सब हमारे लगातार सहयोग में हैं और हमारी टीम को पूरा सहयोग कर रहे हैं। गुल फाउंडेशन के बारे में हम थोड़ा सा बताइए, क्या हमारा फीमेल्स पे और बच्चों पे है बेसिकली पूरा फाउंडेशन, जो फीमेल्स और बच्चों के लिए काम करते हैं। हमारा ये नहीं है कि हम किसी के लिए भी करें, मेन फीमेल और बच्चों के लिए, उनके एजुकेशन, उनके आगे बढ़ने का, लड़कियों की पढ़ाई का, उनकी शादी का। इस तरह से हम लोग करते हैं कि शादी हो रही है, 20 लोगों की शादी हो रही है तो पूरी शादी का बोझ हम लोग उठा लेते हैं, और अगर लड़कियाँ पढ़ रही हैं, एजुकेशन का पैसा नहीं है तो उनको एजुकेशन का पैसा प्रोवाइड करना, उस तरह से चल रहा है हम लोग। अभी तो हमारी सेल्फ फंडिंग है, बाकी थोड़ा थोड़ा लोग मदद कर रहे हैं। बाकी करवाना है, अगर लोग चाहेगा तो हमें गवर्नमेंट से की तरफ से भी मिलेगा। गुल फाउंडेशन एक बहुत अच्छा काम कर रहा है और ज़रूरतमंदों को अगर छूट जाती है तो ऊपर वाला भी देखता है और ऊपर वाला दुआएं भी देता है और आगे बढ़ाने की कोशिश करता है लोगों को जो इस तरह का काम करते हैं। और इस रमजान के पाक महीने में अगर ये अच्छा कार्य किया जाता है तो हमें और ज़्यादा ऊपर वाले से दुआएं मिलती हैं। गुल फाउंडेशन की तरफ से आज ये माह रमजान की जो किट वितरित करने का एक पाक काम किया गया, आप इस कार्यक्रम में सबने खोले थे, कैसा लग रहा है इस चीज का कार्यक्रम हो रहा है? ये बहुत ही इंसानियत मानवता का काम है, समाज के और लोगों के आगे बढ़कर रहना चाहिए। और ये गुल फाउंडेशन की खासियत है कि उन्होंने हमेशा जब जब समाज को जरूरत हुई है वो आगे बढ़कर इन्होंने समाज की मदद करी है। इन्होंने जाड़े में भी तमाम गरीबों की मदद करी, आज रमजान में भी आकर उन्होंने और बेहतरीन भरपूर तरीके से एक परिवार के लिए जितना अनाज चाहिए उन्होंने, पचासों सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिन्होंने उनको अनाज उपलब्ध कराया, उनकी परेशानी में उनके साथ खड़े रहे। और जो भी यहाँ पर तमाम गरीब लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, और मैं मुबारकबाद देता हूँ गुल फाउंडेशन को, और उनके साथ हम ये कोशिश करेंगे कि हम लोग और सारे लोग आगे इनके कदमों को मजबूत करें ताकि गरीबों की मदद होती रहे। जो है ये कार्यक्रम चलता रहेगा, जरूरत और गरीब लोगों को, असहाय लोगों को विशेष तौर पर ये मदद प्रोवाइड कर रहे हैं। आप कैसा लग रहा है कि इस तरीके के कार्यक्रमों को और लोगों को मदद मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं गुल फाउंडेशन और उनकी जो मैडम है उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये जो रमज़ान की किट उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इसमें रमज़ान के सामान के साथ साथ ईद की सेवैयाँ भी हैं, इसमें कपड़े भी हैं और इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी है कि पूरे महीने का किट उन्होंने दिया है। और ये नेक काम है, रमज़ान तो कई तो वैसे भी महीना है और इसमें जितनी इबादत की है जितना लोगों के साथ किया जाए ऊपर वाला उससे ज़्यादा देता है जो है। तो हमारी दिली मुबारकबाद है कि
शहर के बहुत सारे जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं इसमें आगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, बहुत बहुत उत्तर प्रदेश आदित्य प्रभाग मंडल से बड़ी गुल फाउंडेशन जो ये कार्यक्रम रखा है ये पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है और उम्मीद है कि ये ईद रमजान के शुभ मौके पे सबको किट दी जा रही है, इसमें एक महीने का राशन है और साथ में कपड़ा दिया जा रहा है। हम बहुत उम्मीद करते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि इसको सरकार तक पहुंचाइए ताकि कम से कम इसका सरकार की तरफ से हम लोग को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले फुल फाउंडेशन को ताकि और बड़े पैमाने पर इस चीज़ को लेकर चलें। अभी इनका नेक्स्ट टारगेट है खुरम में, वो भी मेरे ख्याल से अगले हफ्ते से और प्लस अभी इससे पहले ये चौक में हो चुका है कार्यक्रम बड़े पैमाने पे और आप लोगों से उम्मीद है इसको आप लोग हाईलाइट करिए ताकि ये अच्छे से अच्छी तरह से हम लोग इसको कर सकें लोगों तक पहुँचा। बाकी सब तो बहुत अच्छे से रमजान मनाते हैं मगर जो जरूरतमंद है जो गरीब है उनके लिए माँ बड़ा सुना सुना लगता है, लेकिन आज गुल फाउंडेशन की तरफ से ये जो इनिशिएटिव लिया गया है पूरे महीने का राशन वितरित साथ ही कपड़े और बहुत सारी जरूरत की चीज़ें वितरित कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे गुल फाउंडेशन की? असल में कोई भी गिफ्ट या कोई भी चीज़ दी जाती है उसकी क्वांटिटी अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत छोटी हो जाएगी। बात जो उम्मीद के साथ आदमी अपने घर से निकल के रमजान महीने और उन गरीबों के बारे में सोचे जो भूखे हैं प्यासे उनके बच्चे हैं ये बड़ी उम्मीद है और जब उनको मिलता है तो आप उनके चेहरे पर खुशी अगर आप देखेंगे वो सेटिस्फेक्शन जो मिलता है देने वाले तो उसकी बात हम अगर करें तो ज़्यादा बेहतर। गुल फाउंडेशन अभी अगर हाल फिलहाल के दिनों में देखें तो अभी बहुत ज़्यादा इनका काम है क्योंकि पिछले दो सालों में जिस अंदाज में इन्होंने मदद की चाहे वो होली के मौके पर दीपावली के मौके पर ठंडी में और अब रमजान में बिल्कुल जात धर्म क्षेत्र से ऊपर उठकर असल में अगर कहा जाए तो जो सोशल वर्क है जो अगर किसी की मदद का जज्बा है तो इसी को कहा जाता है जो कर रही है और उसकी चेयरमैन वो कर रही है मदद उन्होंने लोगों से कहा लेकिन खुद आगे आके और बांटना और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि उन्होंने पिछले 20 दिन में लोगों को पहले आइडेंटिफाई किया, पता किया कि कौन ज़रूरतमंद है, किसके घर तक जाना ज़रदा ज़रूरी है। ये जो पहली की है मुझे लगता है कि आज के सोशल जो NGOs हैं उनके लिए भी ये सबक है कि पहले जाके आप आइडेंटिफाई करिए उनको आइडेंटिफाई करके फिर उन्हें बुलाइए और उन्हें स्पीड दीजिए, ये बड़ी बात है और मेरी दुआ है कि गुल फाउंडेशन तरक्की करे और शहर के जो अच्छे लोग हैं बेहतर लोग हैं वो गुल फाउंडेशन से किस तरह से अपने आप को जोड़ सकते हैं और लोगों तक मतलब पहुँचा सकते हैं ये बहुत ज़रूरी बात है। चैनल देशभर दिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें।